आजकल हमारा खान पीन और हमारा रहन सहन बहुत बदल गया है। पिछले 10 सालों की बात करें और आज की बात करें तो काफ़ी चेंज आ चुका है। सब लोग चेंज हो चुके हैं। जो लोग पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे या दूसरे अनाज खाने में प्रयोग करते थे, वो लोग पूरे तरीके से आज एडवांस हो चुके हैं। सबके घर में गैस है, गैस पे खाना बनता है। दूसरी चीज़ है गेहूं। गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। गेहूं की रोटी खाते हैं या फिर सफ़ेद चावल खाते हैं, और बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं। ये सबके घरों में हो रहा है, चाहे किसी के पास पैसा है चाहे किसी के पास पैसा कम है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, जो हेल्थ इश्यू है वो कम उम्र में ही होने लगे हैं। कम उम्र में ही देखा होगा आपने, घुटनों का दर्द कम उम्र में ही आने लगा है। 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। लेडीज आपने देखी होंगी कि एक बच्चा पैदा करके ही उन्हें इतनी कमजोरी आने लगती है और घुटनों में दर्द होने लगता है और रोज रहता है। वो बोलती है कि घुटनों से काम नहीं होता, खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको पता ही है कि हमारे खाने पीने में इतना चेंज आ गया, ये सब उसी की वजह से है। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक्सरसाइज, जो कि घुटनों के लिए आपको रोज करनी चाहिए, जो कि घुटनों के दर्द से आपको निजात दिलाएगी। और ये एक्सरसाइज कम उम्र के लोग भी कर सकते हैं, ज्यादा उम्र के लोग भी कर सकते हैं। स्पेशल जिनको ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया है, वो लोग भी ये एक्सरसाइज बड़े आराम से घर पे कर सकते हैं और बहुत हद तक अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ चढ़ के हो रही है, सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से या गलत रहन सहन की वजह से हो रही है, तो आपको जरूर बदलना चाहिए। अपना खाना पीना है आपको बदलना चाहिए। गेहूं का इतना ज़्यादा प्रयोग ना करें, दूसरे अनाज भी अपने खाने में शामिल करें। इसके साथ ही बाहर की चीज़ें अवॉइड करें जितना आप कर सकते हैं, और जो नेचुरल फल और सब्जियां हैं हमारे, उनके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग में लाए। इससे आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम कम उम्र में आ गई है वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से घुटनों के दर्द के लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको रोज करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने पैरों को इस तरीके से पूरा लंबा फैला लेंगे। उसके बाद अपने पंजों को आपको आगे पीछे ऐसे करना है। ये वार्म अप के लिए है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। आपके पंजे आगे पीछे जाएंगे। उसके बाद जैसे आपके घुटने आपने लूज छोड़ के रखे हुए हैं, घुटनों को टाइट करना है थोड़ी देर के लिए। आपने कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस इस तरीके से। आप इस पोजिशन में भी, जैसे आपने घुटनों को टाइट किया, आप इस पोजिशन में भी अपने पंजों को आगे पीछे कर सकते हैं, या नहीं भी आप करना चाहते तो ऐसे भी रख सकते हैं। फिर आपने घुटनों को रिलैक्स कर दिया। ये भी कम से कम अप 10 टाइम्स के लिए करें इस तरीके से। नीचे अगर आपके जो घुटने हैं पूरे इस तरीके से आप नहीं फैला सकते, तो नीचे आप टॉवल भी रख सकते हैं उसका रोल करके, या फिर अपने हाथों को भी रख सकते हैं अपने घुटनों के नीचे, और इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, आप अपने घुटने के नीचे, अपनी थाई के नीचे उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे ही पकड़ने के बाद अपनी एक लेग को आप सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप फिर से उसे ऐसे रिलैक्स कर देंगे और अपना पैर जमीन के ऊपर रख लेंगे। फिर दोबारा से ऐसे उठाएंगे, बिल्कुल सीधा अपने घुटने को ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स, वापस से ऐसे ही करेंगे। अगर आपसे बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप सीधा कर सकते हैं अपनी लेग को उतना सीधा करने की आप कोशिश करें। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर वापस उसी पोजीशन में। ये आपको शुरू में जैसे 5 बार आप इससे कर रहे हैं तो 5 बार आप इस लेग से करेंगे, और धीरे धीरे करके आप अपना टाइम और रेपिटेशन दोनों बढ़ाते जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे जो घुटने हैं उनमें इम्प्रूव होता है,
ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और जो कार्टिलेज है वो घिसनी शुरू हो जाती है या फिर अलाइनमेंट सही नहीं बनता है हमारे घुटने का, तो वो चीज़ सही होने लगती है। कार्टिलेज जो है वो भी अच्छी मात्रा में बनने लगती है, जैसे फ्लूड होता है तो फ्लूड जो कम हो जाता है, तो जब आप मूवमेंट करते हैं इस तरीके से तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड हमारे घुटने के जो जॉइंट होते हैं उनके बीच बनता है। दूसरी चीज़ है जो लिगामेंट लूज हो जाते हैं, किसी भी वजह से लूज हो जाते हैं, जैसे कि एक ही पोस्चर में हम खड़े रहते हैं, घंटों तक खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं नी को बेंड करके, तो उस वजह से नी का लिगामेंट लूज हो जाता है, तो वो भी इम्प्रूव होगा, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, जो लिगामेंट है उसको टाइट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगली जो एक्सरसाइज है वो है इस तरीके से, आप अपनी लेग को पहले फैलाएंगे, धीरे धीरे आप ऐसे करके इस लेग को अपना पास में लाएंगे, ऐसे अपने हाथ से जो आपके पंजे हैं उसको पकड़ेंगे, धीरे धीरे से ऐसे अपने लेग को सीधा कर लेंगे, ऐसे दोनों हाथ से भी आप पकड़ सकते हैं, और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने माथे पे भी अपनी लेग को लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से पकड़े रहिए, ऐसे अपनी लेग को पूरा सीधा कर लीजिए। अब धीरे धीरे नी को बेंड करते हुए आप नीचे लाएंगे, उसके बाद इस तरीके से पहले हाथों को रखेंगे, फिर आप अपने दूसरे पंजे को पकड़ेंगे, धीरे से ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और लेग को सीधा कर लेंगे, माथे से लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लग पाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप कर पाए उतना आप करेंगे, ऐसे इसके भी आपको 5-5 टाइम्स करने हैं। जब आप अच्छे से करने लग जाओ, आपको दोनों लेग से आप 1x1 करके अच्छे से कर पा रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से दोनों लेग को ऐसे पकड़ेंगे, दोनों हाथों से ऊपर उठाएंगे और सीधा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको खड़े होके करनी है। आप अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, एक लेग को आप 90 डिग्री पे ऐसे उठा लेंगे, या तो आप हाथों को ऐसे रख सकते हैं या आप अपनी कमर के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद कुछ देर होल्ड करने के बाद इस लेग को आप दूसरी लेग के ऐसे अपना जो पैर है वो दूसरी लेग से आप सटा लेंगे, जैसे मैंने रखा हुआ इस तरीके से आप खड़े रहेंगे, कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से अपनी लेग को उठाएंगे और वापस ज़मीन के ऊपर रखेंगे। अब दूसरी लेग को आपने उठाना है 90 डिग्री के एंगल पे, कुछ देर के लिए होल्ड करना है, जितनी सेकंड के लिए आप कर सकते हैं उतना होल्ड करना है, होल्ड करना ज़रूरी है और धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद ये पैर आपकी दूसरी लेग से ऐसे आपको सटाना है और अपना बैलेंस बना के रखना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस लेग को अपनी पोजीशन में ले जाना है। इसी तरीके से दूसरी लेग से फिर से करेंगे। और मुंह से सांस छोड़ते रहेंगे, नाक से लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस आप छोड़ते रहेंगे। वापस इसी तरह दूसरी लेग से, वापस
इसे जितना भी आप कर सकते हैं, चाहे एक बार या दो बार, शुरुआत में आप कम से कम करें, उसके बाद धीरे धीरे करके आप टाइम बढ़ाते जाए, लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर करें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 लाख के ऊपर हम अपना पूरा भार डाल रहे हैं, तो इससे जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आने से ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ होगा, आपके जॉइंट की तरफ होगा, तो उससे जब ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है, और जो पेन स्टिफनेस रहता है आपके घुटनों में उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अब देख लेते हैं अगली एक्सरसाइज कौन सी है। अगली जो एक्सरसाइज है, आप इस तरीके से अपने मैट के ऊपर बैठ जाएंगे, सीधी अपनी आपकी जो लेग है वो एकदम सीधी रहेंगी, और आपके हाथ आपके पीछे रहेंगे, आपके बैक के पीछे रहेंगे, और इस तरीके से आपने इस पोजीशन में ऊपर उठना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है, कम से कम 20 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, और वापस धीरे से वापस आना है। फिर से दोबारा, और वापस। सभी एक्सरसाइज आपको कम से कम 3 बार के लिए तो जरूर करनी है, चाहे आप शुरुआत आज से ही कर रहे हैं, चाहे आप कल से कर रहे हैं, लेकिन 3-3 बार हर एक एक्सरसाइज करनी है, चाहे भले आप कम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक्सरसाइज आपको 3 बार जरूर करनी है। इस एक्सरसाइज में आप अपने घुटनों को ऐसे बेंड कर लेंगे जैसे आलथी पालथी मारते हैं, उसके बाद दोनों हाथों से अपने एक लेग को उठा लेंगे, आप इसी पोजीशन में आपने उठाना है, एक हाथ आपका अपने घुटने के ऊपर रहेगा, दूसरा आपके पंजे के ऊपर। अब आपको कुछ देर होल्ड करने के बाद इस पोजीशन में होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद अपने पंजे को ऐसे मूव करवाना है इस तरीके से, जैसे आप अपने जो आपका पैर है उससे आप सर्कल बना रहे हैं, छोटा सर्कल बना रहे हैं। इस तरीके से कम 10 राउंड आपने करने हैं, पहले इस डायरेक्शन में और फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तरीके से घुटने पे आपने ऐसे ही हाथ रखना है, घुटने को नहीं चला, ऐसे नहीं करना है, घुटने को पकड़ के रखना है, अपना पैर घुमाना है आपने। इसको करने के बाद इस पैर को आप ऐसे ही जमीन के ऊपर रख देंगे, आप दूसरे को उठाएंगे और इससे भी आप ऐसे ही सर्कल बनवाएंगे, पहले इस डायरेक्शन में और फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले तो आप कम राउंड भी लगा सकते हैं, जैसे 5 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये राउंड्स जो है बढ़ाते जाना है, और सेट भी आपने बढ़ाने हैं, जैसे आज आपने 3 सेट करे, कल आप 4 करेंगे, कल भी नहीं कर पाते 2-4 दिन बाद आप ऐसे सेट बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई। अब जो इससे अगली एक्सरसाइज है, उसमें आप अपने पंजों को ऐसे जोड़ लेंगे जैसे हाथों को जोड़ते हैं, उसके बाद अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऐसे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाने के बाद ऊपर जाके आपके हाथ जो हैं ऐसे बंद हो जाएंगे नमस्कार की पोजिशन में, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे। कुछ लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग तो सर भी लगा सकते हैं नीचे, लेकिन बहुत से लोगों की जो मोटे होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो वो नहीं जा पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप इतना भी जा पाओ तो इतना ही जाओ, मतलब शुरू में जितना आप जा पाओ कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव करते जाना है अपने पोस्चर में, जैसे आज आप इतना जा पाए, कल इतना जाने की कोशिश करना, इतना थोड़ा सा हिम्मत करके जाने की कोशिश करना, तो परसों आप उतना जाएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके 15-20 दिन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप कर पाओगे। तो ये एक्सरसाइज आपके घुटनों के लिए तो इफेक्टिव है ही, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और उसके साथ में आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएंगी, और आपका अगर वेट
बढ़ा हुआ, पेट बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करती है। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं और टाइम के साथ साथ बढ़ाते जाते हैं, ये एक्सरसाइज अगर रेगुलरली आपने एक महीने के लिए कर ली तो आपका पेट भी कम हो जाएगा, आपकी जो थाई मोटी मोटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इन एक्सरसाइज में काफ़ी स्ट्रेच आपके हिप्स के ऊपर, आपके थाई के ऊपर काफ़ी स्ट्रेच आता है। अगर आप सही तरीके से करते हैं और अपने लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज फॉलो करी तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर इन एक्सरसाइज की शॉर्ट फॉर्म आप चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से ये एक्सरसाइज आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इनको लाइक शेयर जरूर करना। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।